फिल्म एक सुपरमार्केट से स्टार्ट होती है जहां मार्केट की क्लोजिंग का टाइम होता है। कैशियर्स लास्ट कस्टमर का बिल कर रही होती हैं और बाकी वर्कर्स शेल्फ को अगले दिन के लिए रीस्टॉक कर रहे होते हैं। तभी एक कैशियर जेनिफर का एक्स बॉयफ्रेंड क्रेग उसके सामने आ जाता है और जेनिफर से झगड़ने लगता है। दूसरी तरफ लिंडा अपनी दोस्त को प्रॉब्लम में देखकर पैनिक बटन दबा देती है तो ओनर के ऑफिस में बेल बजती है। को ओनर बिल विंडो से स्टोर में देखता है कि क्या हुआ है। उधर क्रेग जेनिफर को मारता है जिससे उसके नाक से खून आने लगता है तो एक और वर्कर आकर उसे रोकने लगता है मगर क्रेग उसे भी मारता है। तभी बिल भी वहां आ जाता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ओनर और दूसरे वर्कर्स के आने पर क्रेग भागकर कहीं छुप जाता है। सब लोग उसे स्टोर में ढूंढने लगते हैं और जेनिफर पुलिस को कॉल करती है। सब लोग क्रेग को ढूंढ रहे होते हैं कि वो दोबारा से जेनिफर के पास आ जाता है। जब वो पुलिस से बात कर रही होती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो सब लोग उसे पकड़कर स्टोर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद स्टोर ओनर डैनी सब वर्कर्स को बताता है कि मैं और बिल इस स्टोर को सेल कर रहे हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं कि अब उनकी जॉब्स चली जाएंगी और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बिल उनसे कहता है कि मैं खुद ऐसा नहीं चाहता था मगर क्योंकि डैनी की पार्टनरशिप ज्यादा है इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ रही है। फिर उन सब लोगों को काम बताया जाता है और वो सारे स्टॉक को मार्कडाउन करने लगते हैं। तभी फोन की बेल बजती है और जेनिफर के फोन उठाने पर कॉल पे क्रेग होता है। जेनिफर गुस्से से फोन रख देती है। क्रेग उसे परेशान करने के लिए बार बार फोन करने लगता है तो लिंडा कहती है कि इसे मैं ठीक करती हूँ मगर उसके फोन उठाने पर आगे उसका हस्बैंड टैडी होता है। वो लिंडा से घर आने का पूछता है और फिर क्रेग दरवाजे में आकर जेनिफर को देखने लगता है। जेनिफर लिंडा को बताती है कि क्रेग ने एक मर्डर भी किया था जिसकी वजह से वो जेल में था। क्रेग जेनिफर के साथ पैचअप करना चाहता था इसलिए वो बात करने आया था। जेनिफर को शेल्फ में एक नोट भी मिलता है जो क्रेग ने उसके लिए रखा था। जेनिफर एक और वर्कर डेव के साथ सैटरडे को डेट पर जाने का प्लान बनाती है और बिल उसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी का बताता है। उसके बाद लिंडा अपनी शिफ्ट खत्म करके ग्रोसरी शॉपिंग करने लगती है और बाकी सब बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस के दो ऑफिसर डेल्टन और मैथ्यूज आते हैं मगर वो उनकी कोई खास मदद नहीं करते, बस केयरफुल रहने के लिए कहते हैं और अपना कार्ड देकर चले जाते हैं। अगले सीन में लिंडा घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आती है तो कोई उसे चाकू मार देता है। दूसरी तरफ डैनी बिल से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर उसे नीचे वर्कर्स को चेक करने के लिए भेजता है। जेनिफर की नाक से दोबारा खून आने लगता है इसलिए वो बाथरूम में जाकर उसे साफ कर रही होती है। उधर बिल को कोई आवाज आती है और वो देखता है कि स्टोर के पिछले दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है तो वो चेक करने के लिए स्टोर से बाहर जाता है। बाहर उसे क्रेग नजर आता है जो बाथरूम की विंडो से जेनिफर को देख रहा होता है। उन दोनों में लड़ाई होती है और क्रेग बिल को हथौड़ी मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ किलर पिछले दरवाजे से स्टोर में आ जाता है और डैनी के ऑफिस में घुसकर उसे ब्रूटली मार देता है। उधर लिंडा के हस्बैंड टेडी की कॉल आती है कि लिंडा अभी तक घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जेनिफर परेशान होती है तो डेव उसे तसल्ली देता है। उसके बाद किलर एक एक करके सबको मारने लगता है। जो टिम और बब मारे जाते हैं। किलर ने सबको बहुत बुरी तरह मारकर उनके कटे हुए बॉडी पार्ट्स को स्टोर में फैला दिया था। फिर मेट स्टोरेज रूम में किलर रैंडी को भी मार देता है। अगले सीन में डेव बब से अपना कटर मांगता है तो किलर उसकी तरफ कटर फेंक देता है जो उसके हाथ पर लगता है और ब्लड निकलने लगता है। डेव उसे धोने के लिए बाथरूम में जाता है तो वहां उसे किसी के कटे हुए पांव मिलते हैं मगर वो इसे प्रैंक समझता है। फिर वो किचन में जाकर बब और रैंडी को ढूंढने लगता है। तभी उसे डैनी की डेड बॉडी नजर आती है और वो बुरी तरह डर जाता है और विंडो से जेनिफर को देखकर आवाज देने लगता है क्योंकि जेनिफर के पीछे उसे क्रेग नजर आ रहा होता है मगर जेनिफर तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। तभी किलर उसे क्लेवर मारकर जख्मी कर देता है और मीट कटर मशीन से ब्रूटली उसका फेस काट देता है। उधर जेनिफर को सबके गायब होने का एहसास होता है तो वो उन्हें ढूंढने लगती है। फिर उसे एक रूम में रैंडी की डेड बॉडी नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी उसे पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है तो वो मीट स्टोरेज में छुप जाती है। वहाँ भी उसे किसी के होने का एहसास होता है तो वो वापस पहले वाले रूम में आकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है मगर किलर का हाथ बीच में होने की वजह से दरवाजा बंद नहीं होता तो जेनिफर भाग कर ऑफिस का दरवाजा नॉक करती है मगर उसे वहाँ भी ब्लड नजर आता है। स्टोर में भागते हुए उसे हर जगह डेड बॉडीज और बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा होती है। फिर वो एक जगह छुपती है मगर तभी लाइट चली जाती है। उसे दरवाजे पर किसी कस्टमर की आवाज आती है। जेनिफर उसे बताने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है मगर वो उसके पहुंचने से पहले ही वहां से चला जाता है। वहां क्रेग उसे पकड़ता है तो जेनिफर उस पर मीट हुक से अटैक कर देती है। वो बेहोश हो जाता है। तभी बिल वहां आता है और जेनिफर से कहता है कि सबको क्रेग ने मारा है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे हैमर से बेहोश कर दिया।
फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तो तभी जेनिफर को बिल के हाथों पर ब्लड नजर आता है, तो वो समझ जाती है कि वही किलर है। तो वो भागने लगती है। बिल उसे पकड़ लेता है और बताता है कि ये सब मैंने स्टोर के लिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डैनी स्टोर को बेचे। और फिर वो जेनिफर को मारने लगता है, मगर वो उसके सर पर बोतल मारकर भागकर छुप जाती है। बिल उसे ढूंढ कर फिर से मारने लगता है, लेकिन वो बचकर भाग जाती है और किचन से दो चाकू उठा लेती है। जेनिफर स्टोर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक होता है। तभी बाहर एक डिलीवरी बॉय आता है। जेनिफर उसे बुलाने लगती है, मगर बिल जाकर उसे भी मार डालता है। बिल बाहर होता है और अंदर से कोई आवाज आती है, तो जेनिफर जाकर देखने लगती है। उसे डैनी की आवाज आती है और उसका फेस देखकर जेनिफर पास जाती है, मगर वहाँ बिल होता है जिसने डैनी का कटा हुआ सर पकड़ रखा था, और वो जेनिफर से चाकू छीन लेता है। वो भागती है, मगर आगे से क्रेग उसे पकड़ लेता है और बताता है कि मैंने बिल को लिंडा को मारते हुए देख लिया था, इसलिए मैं अंदर आ रहा था, मगर उसने दरवाजा लॉक कर दिया और मैं बाथरूम की विंडो से अंदर आया, वही भागने का रास्ता है। तभी बिल वहां आकर क्रेग को पकड़कर मारने लगता है और जेनिफर भाग जाती है। वो बाथरूम की विंडो से बाहर निकल जाती है और अपनी गाड़ी में बैठने लगती है, तो उसे अंदर लिंडा की डेड बॉडी मिलती है। और तभी बिल उसे गाड़ी के नीचे से खींच कर दूसरी तरफ ले आता है। जेनिफर उसके सीने में चाकू मार देती है और पास के बूथ से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन बिल दोबारा आ जाता है और बूथ को तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी क्रेग वहां आकर बिल को चॉपर मार मार कर बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसके बाद पुलिस आ जाती है और स्टोर में सबको मरा हुआ देखकर क्रेग और जेनिफर को किलर समझती है और उन्हें पकड़ लेती है। बिल भी कहता है कि इन्होंने सबको मारा है। उसकी हालत देखकर ऑफिसर समझते हैं कि वो सही कह रहा है। क्रेग और जेनिफर कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसने सबको मारा है, मगर ऑफिसर्स उन पर यकीन नहीं करते और उनकी कोई बात नहीं सुनते। फिर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक बिल आंखें खोलता है और जेनिफर जोर से चीख मारती है, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।